जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग RBI का वो डिसीजन और डिस्कस करेंगे, जो डिसीजन जो है RBI ने सर्कुलर निकाल के पब्लिक को बताई है और रिलेटेड है कि RBI 2000 के नोट को विड्रॉ कर रही है मार्केट से। मीन्स अब सर्कुलेशन में या सर्कुलर में के दौर जो सर्कुलेशन में चलन में जो है वो नोट जो है मार्केट में जो थी वो अब नहीं रहेगी। अब जो है जो 500 रुपया का नोट है, जो है 100 रुपया का नोट है, 20 रुपया, 50 रुपये का, 10 रुपये ये रहेगी, लेकिन 2000 रुपया का नोट नहीं रहेगी। इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करें, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि RBI ने ऐसा क्यों किया है और इससे करने से क्या फायदे हैं, और जो है अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 का नोट है तो वो किस तरह से इसको जो है वो सबमिट करेंगे बैंक में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि 19 मई 2023 मीन्स आज के दिन जो है RBI ने एक सर्कुलर निकाली, और इस सर्कुलर के जरिए आम पब्लिक को बताया गया है कि 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद मार्केट में चलन में नहीं रहेगा। मीन्स 30 सितंबर के बाद RBI ने इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक को कि ना तो कोई 2000 रुपया का नोट वो किसी भी अपने ग्राहक से मिस आरपीआई अपने सॉरी बैंक अपने ग्राहक से लेगी, और फिर ना तो वो बैंक कोई भी बैंक जो है अपने ग्राहक को देगी। कहने का ये अर्थ हो गया कि अब मार्केट से जो है 2000 का नोट 30 सितंबर तक ही चलेगी। इसलिए आप लोग जो भी जनता हैं या जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट है कि आप के पास अगर 2000 का नोट है तो RBI ने दो पॉइंट रखी है। एक तो आप जाके जो है अपने अकाउंट में जो भी अमाउंट है आपके पास RBI के सर्कुलेशन के अनुसार में जो भी अमाउंट है आप अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज अगर करेंगे तो एक्सचेंज में जो है वहाँ लिमिटेशन लगा हुआ है कि 20,000 तक के रुपये ही एक्सचेंज होंगे। फिर से यहाँ मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास जो भी अमाउंट है 2000 रुपये का, मीन्स जितना भी अमाउंट है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 या 20,00,000 जो भी है, वो आप अपने अकाउंट में जाके जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सचेंज करना चाहेंगे तो 20,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज कोई भी बैंक आपके नाम से नहीं करेगी। इसलिए आपके पास अगर किसी तरह का नोट्स है 2000 रुपये का, जितना भी अमाउंट का है, तो आपके पास अगर सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट में जाके आप जमा कर दें, या फिर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं और 20,000 रुपये तक का अगर एक्सचेंज है, आपके पास पैसा है 2000 रुपये का, तो आप एक्सचेंज के जरिए भी आप उसको 500 रुपये का नोट में या 200 रुपये के नोट में या फिर जो है 50 रुपये के नोट में या 100 रुपये के नोट में आप एक्सचेंज के जरिए ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इससे मीन्स ऐसा स्टेप RBI को क्यों लेना पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि जब लॉक नोट बंदी हुई थी तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे RBI ने मीन्स गवर्नमेंट और RBI ने मिलके एक डिसीजन लिया था कि 500 रुपये का और जो है 2000 रुपये का नोट को बाजार में पब्लिश करने की। 2000 रुपये का नोट आया और 500 रुपये का नोट आया, लेकिन 500 रुपये का नोट बहुत मार्केट में 2 साल तक चलता रहा और 1000 रुपये का भी नोट भी 2 साल तक चलता रहा। लेकिन जो है 2018 के बाद धीरे धीरे 2000 रुपये का नोट जो है मार्केट से गायब होता चला गया। ये गैप जो है कई तरह से हो रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं क्लियर बताऊं कि 500 रुपये का नोट चलता रहा और 2018 के बाद बार सर्कुलर पे और हर पब्लिक को दिखता है, और ATM से भी अगर पैसा निकालते हैं
तो आपको 2000 रुपया का नोट नहीं मिलता है, लेकिन 500 रुपया का नोट मिलता है, 100 रुपया का मिलता है, 200 रुपया का नोट आपको मिलता है, लेकिन 2000 का नोट नहीं मिलता है। ये 2018 के बाद ऐसा दिखने को मिलने लगा। इसका एक कारण था कि जब 2000 रुपया के नोट आए थे, तो उस समय में नोट जो है धीरे 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 जिस व्यक्ति के पास नोट आता था और वो ब्लैक मनी के रूप में जमा करने लगे वो, और ये ब्लैक मनी एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसफर करने में इजी होता था। आप ये समझ ले सकते हैं कि 100 रुपया का अगर 1 लाख रुपया कहीं ले जाते हैं तो कितना बड़ा बंडल होगा, लेकिन वही 500 रुपया का नोट अगर 1 लाख रुपया कहीं पे लेके जाते हैं तो कितना बड़ा बंडल होगा, लेकिन अगर 2000 रुपया का नोट है तो एक सिंपल सा छोटा सा बंडल आप कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं 1 लाख रुपया का। अगर वही 10 लाख रुपया है तो पूछ सकते हैं कि अगर 100 रुपया का बंडल होगा तो 10 लाख रुपया कितने बड़े अटैची में लेके जाना पड़ेगा आदमी को, लेकिन अगर 500 रुपया का नोट रहेगा और 10 लाख लेके जाना है तो वो जो है ना जो 1 लाख 100 रुपये का बंडल होगा उसकी कंपैरिजन में छोटे अटैची में जा सकता है, लेकिन वही 2000 रुपया का नोट अगर रहेगा तो ये दो तो किसी को 10 लाख कहीं पे मूव करना है तो वो इजी वे से एक बैग में भी लेके या एक पर्स में भी लेके, एक छोटा सा बैग में और या लेडीज पर्स में लेके या कहीं भी लेके वो मूव कर सकते हैं। और इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट को कठिनाई होने लगे और मनी जो है मार्केट से गायब होने लगी थी 2000 रुपये के नोट, और आम आदमी जो है इसको ब्लैक मनी के रूप में या तो घर में रखते थे या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन होने में या ट्रांजिट होने में या एक जगह से दूसरे जगह होने जाने में वो कैश जो है इजी रूप में चला जाता था। एक कारण ये भी था। इसको जानने के बाद जो है आरबीआई ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया था 2018 के बाद कि जो भी उसके पास 2000 रुपया का नोट आता है उसको फिर से वो जो है मार्केट में या किसी कस्टमर को नहीं दे, वो अपने पास होल्ड रखे, और हो सके तो वो आरबीआई को जब वो सबमिट करते हैं तो वो आरबीआई को सबमिट कर दे। इसलिए जो है ये दो कॉज से धीरे धीरे जो एक तो ब्लैक मनी होल्डर जो है 2000 रुपये को रखने लगे, और इस चीज को जानने के बाद आरबीआई ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 2000 रुपया का नोट जो आता है आपके पास कस्टमर के थ्रू आप उसको फिर से दूसरे कस्टमर को 2000 रुपया का नोट नहीं रखिए, आप उसको होल्ड कर दीजिए अपने पास रखिए। तो ये दो कॉज जो है 2018 से ही चलते आ रहा था, लेकिन अब जो है 2018 के बाद धीरे धीरे आपको 2000 रुपया का नोट मार्केट में बहुत कम दिखता होगा, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आया कि अब 2000 रुपया का नोट दिखता ही नहीं है, ना तो आपको बैंक देती है, ना तो आप बैंक में जमा करते हैं क्योंकि आपको मिलता ही नहीं है, और ना तो एटीएम से 2000 रुपया का नोट आता है। तो ये दो कागजेज होने के कागज जो है बैंक को आरबीआई को ये पता चला और गवर्नमेंट को नोट इन्फॉर्म किया गया कि 2000 रुपया का नोट जो है जितना छापा गया था उतना जो है आरबीआई के पास और बैंक के पास मिला के नहीं है, ये कहीं न कहीं ब्लैक मनी का जो होल्डर है, ब्लैक मनी रखने वाले जो है अपने घर में जो कैश रखते हैं उसके पास ये जमा है। तो इसलिए जो है ये इकोनॉमी को डैमेज कर रही थी, और इस इकोनॉमिक सपोज के कोई व्यक्ति मनी रखा और कैश घर में रख लिया तो वो कैश बाहर जो रहेगा तो पब्लिक को जो है बेनिफिट होगी, और एक पब्लिक से दूसरे पब्लिक के पास जाएगा तो मूवमेंट चालू रहेगा, तो कैश तो इकोनॉमी में यूज होता है उसका उस मनी का। लेकिन 2000 रुपया का नोट जो है अगर कोई व्यक्ति ब्लैक मनी के रूप में अपने घर पे रखा है और फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांजिट में जाता है या एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट में आ जाता है और फिर वो घर में ही जमा हो जाता है, तो ये जो है एक छोटे से पब्लिक के या छोटे कम नंबर के पब्लिक जो उनके पास वो ही पैसा रह जाता है, लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के पास नहीं जा पाता, जिससे ये इकोनॉमी को डैमेज करता है। इसलिए ने गवर्नमेंट ने आरबीआई के थ्रू असेसमेंट कराई कि जो है क्या 2000 का नोट जो छापा गया था और जो आप सॉरी जो कैश को जो बंद किया गया था या मोनेटाइज डीमोनेटाइजेशन जो कराया गया था उस समय में जो है जितना छापा गया था उस छापने का जो नंबर है उसमें से बैंक के पास कितना कैश है
या और फिर जो है आरबीआई के पास कितना वो आया हुआ है, तो इसमें ऐसा पाया गया कि ह्यूज अमाउंट जो है अभी भी ना तो बैंक के पास आया है ना तो आरबीआई के पास है। बैंक के थ्रू जो आता है वो है, उसमें ह्यूज अमाउंट जो है पब्लिक के पास अभी भी ब्लैक मनी के रूप में रखा हुआ। इसलिए ने गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि आरबीआई के थ्रू सर्कुलर निकलवा के जो है कि इस ब्लैक मनी पैसे को वापस जो है इकोनॉमी में लाया जाए। और इस इकोनॉमी में लाने का एक ही प्रोसेस है, किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि आप जो है ना उस बैंक में पैसा है तो आप बैंक में जमा कीजिए, लेकिन एक जरिया है कि आप उसको जगह स्टॉप कर देंगे मार्केट में चलन से, तो स्वयं जो है पब्लिक अपने कंपल्सन में आ जाएगा और कंपल्सन में आने के बाद बैंक के पास जाएगा और बैंक में जाके वो या तो कैश को एक्सचेंज कराएंगे या तो फिर कैश अपने अकाउंट में जाएंगे, और अकाउंट में जाने के बाद फिर जो है आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो बैंक जो है जो 2,000 रुपया का नोट लेगी या एक्सेप्ट करेगी उस बैंक के पास हो जाएगा। तो इससे भी एक असेसमेंट होगा कि 2,000 रुपया का नोट आखिर ब्लैक मनी में था कितना, और फिर जो है वो उसके जगह पे जो व्यक्ति जो है इस अपने 2,000 रुपये का नोट को बैंक में जमा करेंगे, उस बैंक के जरिए जो है वो फिर दूसरा कैश लेगा अपना अकाउंट में जमा करेंगे। सपोज करें कोई 5 लाख रुपया जमा करता है, तो स्वाभाविक है कि 5 लाख रुपया वो बाहर अगर अकाउंट में रहेंगे तो उसका एक बैंक को बेनिफिट होगा कि बैंक उसके पास फंड है। दूसरे चीज है कि अगर वो वापस लेते तो 1,000 2,000 रुपया का नोट नहीं जाएगा, फिर ऑलरेडी वो 100 रुपया का नोट उसके पास जाएगा या तो 500 रुपया का जाएगा या तो 200 रुपया का नोट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जो है वो मनी जो है रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। यही एक जरिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के थ्रू जो है मनी जो भी ब्लैक मनी था उसको बाहर लाना, और फिर लाने का उद्देश्य 2,000 रुपया का नोट को 31 सितंबर के बाद जो है चलन से इन सर्कुलेशन से समाप्त कर दिया गया। अब ये टेंडर में नहीं रहेगा, मीन्स ना तो 2,000 रुपया का नोट कोई ले सकता है ना तो कोई दे सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू, भारत माता की।